नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू प्रजापति आपका स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताएंगे जिससे आपका जीवन ही बदल सकता है अगर आप उसको सही से प्रयोग करते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो दोस्तों चलिए उस कहानी को बताते हैं। तो दोस्तों, वह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है कि जो दोस्तों बहुत ही उदारवादी और बहुत ही गतिशील व्यक्ति की कहानी है। दोस्तों, उनका हम नाम हम आपको नहीं बताएंगे। इस कहानी का मेरा उद्देश्य ये है आपको कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ हमको सीख देना है आपको, जिससे आपको सीख जाए और अपने जीवन में आप भी गतिशील हो जाए, ठीक है? तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वह एक बालक था। उस बालक ने जब अपने पाठशाला में पढ़ने जाता था तो उसने क्या करता था कि ठंड का समय चल रहा था तो उसने पूरे अपने विद्यालय में डेली आग लगाता था। अब आग वो इसलिए लगाता था जिससे उसका विद्यालय गर्म हो जाए और उसके सभी सहपाठियों को उसके सर को ठंडी न लगे। वो इतना बताइए नरम दिमाग था कि उसने इतना दयालु था कि अपने साथ साथ सभी का ध्यान रखता था। डेली उसने पहले आधा घंटे पहले पहुंचता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि ज़्यादा आग फैल गई और उसने आग में जल गया। और सर जी लोग आए तो देखे तो जल रहा था तो उसको फिर बाहर निकाले, हॉस्पिटल ले गए। उसका दवा हुआ, वो ठीक हो गया। फिर ठीक होने के बाद वही बालक आगे चल करके एक महान व्यक्ति भी बन गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी थी, इससे हम आपको ये समझाना चाहते थे कि आप भी अपने जीवन में गतिशील बनिए, आप कर्म से विमुख मत होइए, क्योंकि कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये ब्रह्मा जी के पत्र में लिखा हुआ है और जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी जो लिखते हैं वही होता है, तो वो आज भी सही है। लेकिन आपको क्या दिए हैं भगवान? आपको कर्म दिए हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो आज भी अच्छा फल मिलेंगे। अब बहुत से लोग देखते हैं कि अच्छा कर्म करके अच्छा फल प्राप्त कर लेते हैं। अब बहुत से लोग हैं तो बस भाग्य को देखते हैं, कहते हैं भाग्य में हमारे जो लिखा होगा वो तो मिलवा करेंगे, अब कर्म तो करेंगे नहीं, बस चुपचाप बैठे रहेंगे भाग के भरोसे। तो बस वो बैठे बैठे रह जाएंगे और जिंदगी जीने का मजा कभी नहीं पाएंगे। जैसे कोई कीड़ा है, इस टहनी में गया उस टहनी में गया और अपना जिंदगी ऐसे काटते गुजार दिया, उसका जिंदगी खत्म हो गई, उसने कभी चैन की जिंदगी नहीं जीना सीखा। इसी प्रकार आपके मनुष्य को भी हो गया है, क्योंकि दोस्तों यह आधुनिक युग है, यहाँ हर चीज अदा धुंधे चलता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि आपको कैसे व्यक्ति बनना है। अपने दिमाग को गतिशील की अपने क्रम पर ध्यान दीजिए, ठीक है? भाग के भरोसे मत बनिए। तो दोस्तों, इस कहानी का हमारा उद्देश्य आपको ये था कि आपको एक अच्छी सीख मिले, आप अपने जीवन में गतिशील हो और कर्म करना शुरू कीजिए, फल अपने आप मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप भी सीख करके घर बैठे अपना नाम और पैसा दोनों कमा सकें। तो दोस्तों, हम अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।